सुंदर एक बात कहनी पड़ेगी भाई, दिन भर से इतने परेशान जेठालाल की समस्या को तुमने एक चुटकी में हल कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुंदर मामा। पांजा सुंदर बेटा तारो खूब खूब आभार है, तूने हमारे सर से सारी चिंता दूर कर दी, ले जल्दी। थैंक यू सुंदर। अरे वेलकम माय डियर जीता जी, वेलकम। और बापूजी आप मुझे कोई काम कहे और वो मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? आप निश्चिंत होकर सो जाइए, कल आपके हाथ में पैसा होगा। अच्छा चलो मैं फोन रखता हूँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलो हाश। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। बस भगवान करे सुंदर ने जो बोला है वो सच हो। पापा आपको सुंदर मामा पे भरोसा नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे मेरी कुंडली पे भरोसा नहीं है। एन वक्त पे कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है ना, इसलिए बोल रहा था मैं। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठा। ओ जेठा ब्रा, सब सुंदर पे छोड़ दो, सब चंगा होएगा। जेठालाल तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे जैसे आदमी को सुंदरलाल जैसा साला मिला। क्या मतलब? मतलब अभी तुमने बोला ना कि तुम्हारा कुंडली खराब है, तो ऐसा खराब कुंडली वालों को सुंदरलाल जैसा साला मिलना बहुत किस्मत का बात है। हाँ एकदम हीरा आदमी है, हीरा। क्या अब कल 50 लाख हाथ में आ जाएंगे तो पैसों का रूलिंग भी शुरू हो जाएगा, राम सिंह की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी और अपना धंधा पहले जैसे ही चलने लगेगा। हाँ का ये पैसों का इंतजाम थोड़ा जल्दी हो गया होता ना तो मेरे ऑफिस में 100 टैप का डिलीवरी हो गया होता। हाँ सही बात है। वैसा हेर भाई अभी भी देर नहीं हुई है क्या? आपके बॉस के साथ तो शाम को ही मेरी बात हुई ना, तो अभी तक वो भी 100 टैप का इंतजाम नहीं कर पाए होंगे, तो कल तो मैं 100 टैप की डिलीवरी आराम से दे पाऊंगा। कैसे? अरे देखो कल जैसे मुझे 50 लाख मिलेंगे उसमें से 40 लाख में रामसंग कंपनी को दे दूंगा, तो वो लोग मुझे 100 टैप की डिलीवरी दे देंगे। अरे फिर जेठालाल मैं कल ही जाकर बॉस से बात करता है। हाँ ठीक है। अरे क्या ठीक है जेठिया? अरे यार बेटा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे तू अभी अपने बॉस को फोन लगा और बात कर। अभी इस टाइम पर? हाँ हाँ यार, अरे क्या फर्क पड़ता है, उल्टे इस वक्त फोन लगाओगे तो बॉस को लगेगा कि भाई वाह क्या बात है, अय्यर कितना सिंसियर है, इस वक्त भी ऑफिस के काम में कितनी रुचि ले रहा है। फोन लगाओ। हाँ कर 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 फोन कर। हाँ करता हूँ। जेठालाल पक्का 100 टैप का मैनेज हो जाएगा ना? अरे अय्यर भाई वो तो कंपनी में रेडी है, मैंने उनको पेमेंट दिया और उन्होंने मुझे डिलीवरी दी। लगा। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग ओयोर, क्या बात है इस वक्त फोन किया? सॉरी सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं ओयोर, बोलो बोलो क्या बात है? सर वो मैं आपसे वो 100 टैप के बारे में बात करना चाहता था। ओयोर लीव इट, तुम टैप का टेंशन मत करो। नहीं मेरे को नहीं सर, वो जेठालाल को। वो जेठालाल इवनिंग में ऑफिस में बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ उनको बात करना है। उनको मुझसे क्या बात करना है? सर मैं एक मिनट फोन स्पीकर पर करता हूँ, वो जेठालाल आपसे बात करेगा। ओके ओके एक मिनट सर, जेठालाल बात कर। नमस्ते सर, जेठालाल गड़ा, चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ सर, सॉरी आपको इतना लेट परेशान कर रहे, लेकिन क्या है कि अगर मैं अभी आपसे बात नहीं करता ना तो मैं चैन से सो नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं ताकि आप भी चैन की नींद सो सके और मैं भी चैन से सो सकूं। जेठालाल तुम क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपने वो 100 टैप का बंदोबस्त कर लिया? नहीं। वाह तो सर कल मैं आपको 100 टैप की डिलीवरी पक्का दे सकता हूँ। आप तो शाम को 100 टैप देने के लिए मना कर रहे थे। हाँ सर वो तभी क्या परिस्थिति वैसी थी,
लेकिन अभी परिस्थिति जरा बदल गई है, तो कल मैं पक्का आपको शॉर्ट टेप की डिलीवरी दे सकता हूँ सर। जेठालाल, आपका काम के प्रति पैशन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप मुझे गारंटी दो कि मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। सर, जेठालाल का गारंटी मैं देता है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। ओके ओके, तो डील फाइनल। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, गुड नाइट। इट्स ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू अय्यर भाई, बाबू जी। अरे वेलकम वेलकम जेठालाल। चलो भाई फिर सोडा पीने चलते हैं। हाँ भाई चलो। अरे नहीं नहीं पोपट बेटा, जेठे ने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। तो जेठालाल तुम आराम से खाना खा लो, हम अब्दुल की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करते हैं। देखो भाई पोपटलाल, तुम्हें वेट करना है तो तुम जरूर वेट कर लो, बहुत लेट हो गया, इसलिए अंजलि इंतजार कर रही होगी, नाराज होगी, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ भाई। हाँ मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि माधविका कब का मिस कॉल आके गया है। हाँ बबीता भी वेट कर रहा होगा और रोशन भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ पोपटलाल मैं भी घर जाता हूँ। सच में आप सब बहुत किस्मत वाले हैं, आपके घर पर इंतजार करने के लिए पत्नी है, पता नहीं मेरे नसीब। चलिए पापा आप खाना खा ले। नहीं दादाजी मैं आपको परोसता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा मैं ले रहा हूँ, मैं ले लूंगा। अरे क्या हुआ जेठिया, क्या सोच रहा है, ले ले खाना ले खाना ले। बाबूजी घूम फिर के मुझे एक ही ख्याल बार बार सता रहा है कि मेरी वजह से हमें हमारे पुरखों की जमीन बेचनी पड़ रही है। अरे जेठिया तेरी वजह से नहीं, हमारे परिवार पर जो संकट आया है ना उस वजह से हम जमीन बेच रहे हैं। ऐसे अचानक आने वाली विपदाओं से बचने के लिए ही हमारे बड़े बुजुर्ग जमीन और सोना खरीद के रखते थे, ताकि अचानक कोई बड़ी मुसीबत आए तो उसे बेचकर अपने परिवार को बिखरने से बचा सके। और जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। चल चल अभी ज्यादा सोच मत, है खाना ले खाना ले। ला 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 मैं देता हूँ। तुम मैं लेता हूँ, मैं देता हूँ ना जेठिया। अपने लिए मैं ले रहा हूँ, तू पहले ले। हाँ 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 वाह बापू जी, बेसन के लड्डू तो लाजवाब बने हैं। मजे आ गया। चल अभी ज्यादा सोचना मत और शांति से सो जाना, हाँ ठीक है। जी जी बापू। झोपले वाटा? नहीं नहीं माधवी, झोपलो नहीं, मैं सोच रहा था। बाप रे इतना क्या सोच रहे? जेठा के बारे में सोच रहा था। हाँ शाम से मैं भी उनके बारे में ही सोच रही हूँ। कितनी वाइट ना, 50 लाख की उधारी चुकाने के लिए पुरखों की जमीन बेचनी पड़ रही है उनको। हाँ लेकिन जमीन बेचने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना माधवी। एक बात बोलूँ माधवी, ये जेठालाल की हालत देखकर ना मैं भी थोड़ा अंदर से हिल सा गया। मुझे मेरा अंतर्मन विचलित हो गया है। वो तो अच्छा है कि अपना अचार पापड़ का छोटा सा बिजनेस है और उधारी भी छोटी छोटी है। हाँ और कोई बड़े बड़े खर्चे भी नहीं है। हाँ तो माधवी जाने अनजाने में तुम किसी को उधारी दे मत देना, वरना बाद में वो उधारी चुकाने के चक्कर में पता नहीं हमें क्या बेचना पड़ जाए। खामखा टेंशन ले रहे हो, हमारा आचरण पड़ का छोटा सा बिजनेस है। किसी का पेमेंट रह भी जाता है तो कितना रहेगा, 3,000 4,000 डोक्या वरुण पानी 10,000, कोई 50 लाख का आचरण पड़ थोड़ी खरीदने वाला है। हाँ वो भी है। लेकिन हो अगर हमें 50 लाख का ऑर्डर मिल गया तो मैं साफ मना कर दूंगा। हाँ हमारा भी पेमेंट अटक गया तो क्या, कुछ भी एडवांस पेमेंट ले लेंगे ना। ये नारे लक्ष्मी मिला कशाला नहीं बढ़ाए। एक बात बोलूं माधवी, धंधा बड़ा होता है ना तो टेंशन भी बहुत बड़ा ही होता है। हमारी जो छोटी सी दुनिया है ना वो बहुत अच्छी है। तुम्हारा अचार पापड़ का बिजनेस, मेरे ट्यूशन क्लासेस,
मस्त चल रहे। ठीक है अभी आप ज्यादा सोचिए मत, शांति से सो जाइए। तारक आपको सोना नहीं है, नींद नहीं आ रही? कैसे नींद आएगी अंजलि, जेठालाल कितनी बड़ी परेशानी में है। अब आप परेशान मत होइए ना, वैसे भी अब जेठा भाई के प्रॉब्लम का हल मिल गया है ना। तो मिल गया अंजलि, लेकिन किस कीमत पर? इस समस्या से बाहर निकलने के लिए जेठालाल को जमीन बेचनी पड़ रही है, अपने पुरखों की धरोहर बेचनी पड़ रही है। वो तो है। अंजलि कई बार मुझे लगता है कि हम नौकरी पेशा लोग कितनी परेशानी में रहते हैं, हमेशा बॉस का डर रहता है, ऑफिस में लेट जाओ तो डर बना रहता है, छुट्टी मांगनी पड़ती है, एक सीमित तनख्वाह आती है। और ये व्यापारी लोग कितने अच्छे, कितने खुश, कितने सुखी, अपने बॉस खुद हैं, जब जो चाहे काम करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आज जेठालाल जब इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गया है तो मुझे लग रहा है मेरी परेशानी तो कोई परेशानी है ही नहीं। हम नौकरी पेशा लोग अगर एक बार गलती कर दें तो उसे सुधारने का दूसरा मौका होता है हमारे पास, लेकिन व्यापार में अगर कोई आदमी गलती कर दे तो फिर उसके पास कोई मौका नहीं होता, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाती है। और अगर इस तरह से लाखों का नुकसान हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस खतरे में आ जाता है। भगवान ही जेठालाल की मदद कर सकता है। हाँ, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जेठा भाई को इस मुसीबत से निकाल दे बस। वैसे अब हम सो जाते हैं, आज का दिन बहुत भारी था ना। अभी तो आज का दिन बहुत भारी था, टेस्ट का डिलीवरी होगा कि नहीं होगा इस चक्कर में मेरे को सर दर्द का टैबलेट लेना पड़ा। अरे मैं तुम्हारा सर दबा दूं? अरे नो नो, आई एम फाइन। बबीता मेरे को तो पूरा विश्वास है कि जेठालाल के जमीन का सौदा होने के बाद 100 टैब्स का डिलीवरी भी हो जाएगा। एंड आई होप जेठा जी इस मुसीबत से जल्द बाहर आ जाए। 100% पक्का बाहर आ जाएगा। सुंदरलाल एक बार जो काम हाथ में लेता है वो पूरा करता है, देखना वो जेठालाल का जमीन सेल करवा ही देगा। भगवान करे ऐसा ही हो। बट यू नो व्हाट अय्यर, मानना पड़ेगा जेठा जी बहुत हिम्मत वाले हैं। उनके 50 लाख अटके हुए ये जान के हमें इतना सदमा लगा है तो सोचो उन्हें कितना लगा होगा, फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यस यस बबीता, ऑल बिकॉज ऑफ चाचा जी, वो एक ग्रेट फादर है। उन्होंने जमीन बेचने का डिसीजन लेकर जेठालाल का प्रॉब्लम दूर कर दिया। वाइज डिसीजन। पेरेंट्स के पास अपने बच्चों के प्रॉब्लम का हल होता ही है ना? यस बबीता, एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए और जेठालाल को चैन का नींद आ जाए। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। मेरी वजह से बापू जी को पुरखों की जमीन बेचनी पड़ रही है, ये बात मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रही है। हे भगवान, कुछ कीजिए कि जमीन बच जाए। लेकिन अगर जमीन बच गई तो दुकान बच नहीं पाएगी, तो अगर दुकान को बचाना है तो जमीन तो बेचनी ही पड़ेगी। दादाजी आप? हाँ।
मैं जयंतीलाल गड़ा। अब यहाँ कैसे कहाँ से पायला को दादा? नहीं। खबरदार, जो मेरे पैर छुए हैं तो मेरे आशीर्वाद पाने का अधिकार तू खो चुका है जेठा। क्यों, मैंने क्या किया? बोला मत बोल। हमारे पुरखों की जमीन बेचने चला है और पूछ रहा है मैंने क्या किया है? नहीं नहीं, वो मैंने बापूजी जमीन बेचना चाहते हैं दादाजी। अरे वो चंपक या तो पुत्र मुंह में अंधा हो गया है, लेकिन मैं तुझसे कह देता हूँ, खबरदार जो जमीन बेचने की कोशिश की है तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अरे दादाजी, आप मुझे क्यों डांट रहे? डांटने तो बापूजी को डांटिए। एक मिनट, मैं अभी उनका बुला के लाता हूँ। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुझे जो बोला है वो उसे बता देना, और अगर नहीं बताया ना तो। अरे कमाल है दादाजी, बापूजी तो मुझे हमेशा डांटते ही है, अभी आप भी मुझे डांट रहे। अरे दादा तो अपने पोते को कितना लाड करते, बापूजी को देखिए, वो टप्पू को कभी नहीं डांटते, हमेशा लाड करते, और आप है कि अपने पोते को डांट रहे हैं। क्योंकि उसकी अक्ल तो खास चलने गई है, लेकिन तू तो समझदार है ना, तू भी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गया? नहीं नहीं दादा, मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, बापूजी ने धरार मुझे तैयार किया। वो समझता क्या है अपने आप को? उसको जमीन मुझसे मिली है और मुझे अपने पुरखों से। पुरखों की कोई भी चीज कभी बेचनी नहीं चाहिए। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं दादाजी आप, लेकिन बापूजी कह रहे थे आपने पुरखों का मकान बेच दिया था। अच्छा, तो उसने ये बताया कि मैंने अपने पुरखों का मकान बेच दिया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उसे मैंने किस परिस्थिति में बेचा था। मैंने निस्वार्थ भाव से अपने पशुओं को बचाने के लिए वो बेचा था, लेकिन तुम लोग तो अपने स्वार्थ के लिए हमारे पुरखों की जमीन बेचना चाहते हो। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ जेठा, अगर तुमने वो जमीन बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा, मैं रोज आके तुझे तंग करूंगा। बोल, जमीन बेचेगा? बोल, बेचेगा जमीन? अरे बकरी की तरह क्या कर रहा है? बोल अकेला। बोल हाँ या ना? जेठा! ना कह रहा हूँ दादाजी, पता नहीं मेरा होट चिपक। सपना था, मतलब दादाजी सपने में आके धमका के गए। बापूजी को अभी कभी बताना पड़ेगा क्या दादाजी ने ना बोला जमीन बेचने के लिए। दादाजी क्या हो पापा? अरे बेटा दादाजी, ये क्या, जेठालाल के सपने में जेठालाल के दादाजी जयंतीलाल? कैसा हो सकता कि वो व्यक्ति जो दुनिया में नहीं है वो सपने के जरिए आपसे मिल सकता है? और ऐसा हो रहा है, जेठालाल के दादाजी उनसे सपने में मिल रहे हैं, और सिर्फ मिल ही नहीं रहे, डांट भी रहे हैं। क्या ये सपने में सचमुच जेठालाल के दादाजी जयंतीलाल है, या जेठालाल का वो आत्मसम्मान जो उन्हें पुरखों की जमीन बेचने से रोक रहा है? लेकिन मुसीबत बहुत बड़ी है, दुविधा बहुत बड़ी है। अगर जमीन नहीं बेची तो जेठालाल की दुकान बेच जाएगी, और अगर जमीन बेच दी तो फिर दादाजी परेशान करेंगे। अब क्या करेगा जेठालाल? क्या जेठालाल दादाजी को सपने में देखने के बाद, उनसे डांट खाने के बाद, क्या पुरखों की जमीन बेचने के लिए तैयार होगा? भाई ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा, ये तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.